अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वापटा की जॉब्स के बारे में, जो कि अनाउंस हुई हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, जिसमें आप लोग मेल्स और फीमेल्स पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब्स हैं, हम आपको डिटेल्स बताएंगे इस वीडियो में। आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसका जो मुकम्मल प्रोसेस है वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, उसको स्किप नहीं करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार सब्सक्राइब करें और उसके बाद पहले अकाउंट को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको डेली बेसिस पर जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब बाजार, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पहले लिंक पे जहाँ पे जॉब बाजार डॉट इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने थोड़े से नीचे आना है और यहाँ पे आपको नजर आ रहे वापटा जॉब्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पोस्ट है ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, यहाँ से ऐड को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से वापटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसके ऐड भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लार्ज ऐड है। तो बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वापटा की रेगुलर बेसिस पर जॉब्स हैं, दियामिर भाषा डैम के प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ऑफिसर्स की यहाँ पे सीटें हैं और नॉन ऑफिसर स्टाफ भी है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है एचआर एडमिन ब्रांच है, इसमें डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की यहाँ पे सीटें हैं, जिसमें मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए, एमपीए और इसके एचआर में मास्टर डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस में, स्टैट में और इंग्लिश में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा यहाँ पर मैनेजर अकाउंट फाइनेंस है, इसमें जो है वो यहाँ पे मैनेजर और डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे सीटें हैं। तो इसमें एमकॉम, एमबीए, बीबीए 4 ईयर, बीकॉम 4 ईयर्स वाले, सीए वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सीएमए, एसीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट से रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट जो ब्रांच है, ये पब्लिक रिलेशन ब्रांच है, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए यहाँ पर सीटें हैं। इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म में या फिर सोशल साइंसिस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है, यहाँ पे इंजीनियरिंग और साइंटिफिक ब्रांच है यहाँ पे, इसमें सीनियर इंजीनियर और यहाँ पे सीनियर जियोफिजिक्स है और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर है सिविल का और जूनियर जियोलॉजिस्ट है और सब इंजीनियर सिविल की यहाँ पे हैं। सब इंजीनियर सिविल की यहाँ पे 61 सीटें हैं और आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए सिविल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोटा आप देख सकते हैं ओपन मेरिट पे कितनी हैं, डिसेबल, पंजाब, फीमेल्स और ये सारा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जूनियर जियोलॉजिस्ट है एमएससी जियोलॉजी के साथ, वो 16 सीटें हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 4 ईयर्स वाले बीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल है, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, 36 सीटें हैं। और उसके अलावा यहाँ पे सीनियर जियो फिज़िक्स है और इसमें एमफिल पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं जियो फिज़िक्स के साथ। और इसमें यहाँ पे जो है नेक्स्ट है सब इंजीनियर सिविल है और इसमें 39 सीटें हैं, आपकी एमएससी सिविल इंजीनियरिंग के साथ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे जो कोटा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है ये यहाँ पे मेंशन है, 18 से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी जो है वो कन्फ्यूज़ कर देगा आपको, तो आपने गौर से देखना। इसकी जो लास्ट डेट है 21 सितंबर है और ये जो ऐड है ये वापटा की वेबसाइट, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट और डेली जंग न्यूज़पेपर 6 सितंबर का है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब अप्लाई ऐसे करना है कि सीरियल नंबर 1, 2 और 3, ठीक है, हम आपको दिखा भी देते हैं, सॉरी सीरियल नंबर ए और उसके बाद सीरियल नंबर बी और सीरियल नंबर सी, ठीक है। इनकी जो पहली पहली पोस्टें हैं, सीरियल नंबर ए की पहली पोस्ट, सीरियल नंबर बी की पहली पोस्ट और सीरियल नंबर सी की पहली पोस्ट, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने वापटा की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक कर पे करेंगे क्लिक, तो आप वापटा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल लैंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर मेंशन भी है डायरेक्टर एचआरएम, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन और मैनेजर अकाउंट फाइनेंस, ये सिर्फ इन 3 पोस्टों के लिए फॉर्म है, ठीक है। बाकी पोस्टों का आपको बताएंगे आपने कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। इन पोस्टों का फॉर्म आपने फिल करना है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने सेंड कर देना है, जो एड्रेस यहाँ पर मैंशन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो बाकी पोस्टें यहाँ पर बच जाती हैं, तो बाकी जितनी भी पोस्टें हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म आपने पीटीएस की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट से, ठीक है। आपने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई पे क्लिक करना है, आप जो है वो पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की जो वेबसाइट है यहाँ पे आप आ जाएंगे, इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है और यहाँ पे वापटा की जो अनाउंसमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर तमाम सीटों के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, ठीक है,
सीट का नाम मेंशन है और उसके सामने व्यू एंड अप्लाई, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, इसको फिल करना है। ठीक है, ये सारा फिल करने के बाद जो भी यहाँ पे है वो मेंशन करना है, इसकी फ़ीस पे करनी है। तो ये सारा फिल करने के बाद आपने पीटीएस को ये फॉर्म पीटीएस को सेंड करना है, जो बाकी रेस्ट पोस्टें हैं उनका फॉर्म जो है वो आपने पीटीएस को सेंड करना है। जो तीन पोस्टें आपको हाईलाइट की हैं उनका फॉर्म आपने वापटा को करना है। जो बाकी तीन पोस्टें हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है, इसकी 170 रुपये फ़ीस है। ठीक है, वो आपने पे करनी है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।